हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जॉब की जानकारी। ये वैकेंसी जो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS द्वारा निकाली गई हैं। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टोटल 144 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट की 6 वैकेंसी निकाली गई हैं। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको कंप्यूटर साइंस तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए और डेटा एनालिस्ट के लिए आपको स्टैटिक्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है 24 मई 2022 है। आपको इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो लोग CRIS.org पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ ही डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए CSET स्पेशल UPSC CSC कॉम्बैट लॉन्च किया जा रहा है। ये एक तरह का टेस्ट है जिसमें लगभग 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो आपके पास अच्छा मौका है। ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और इनरोलमेंट पूरी तरह से फ्री है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट में आपको उनको सॉल्व करना होगा और अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी और अगर आपकी रैंक जो है 4 to 10 के बीच में है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप दी जाएगी और जिन लोगों की 11 से 50 के बीच में है उनको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी और जिनकी रैंक 51 से लेके 500 के बीच में है उनको 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद आपको वहां पर एक कोड डालना होगा जिसमें SR अड्डा कोड डालें, SRADDA, उसके बाद आप फ्री में इनरोल हो जाएंगे। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चलाया जा रहा है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, तो आप यहां पर 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि हजारों लर्नर्स जो है UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग टेस्ट देंगे। तो यहां पर आप जो है अपनी रैंक के अनुसार देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड होगा। और इसके अलावा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये 24 अप्रैल 2022 को होगा। GS का पेपर आपका 9:30 से 11:30 के बीच में होगा और CSET का 12:30 से 2:30 के बीच में होगा। ये OMR बेस्ड आपका पेपर होगा और पूरा जो है एग्जैक्ट फाइनल प्रीलिम्स पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं। टेस्ट सेंटर की बात करें तो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में होगा। तो अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्रशांत धवन सर द्वारा चलाई जा रही है। ये मंडे से फ्राइडे शाम को 7:30 पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी और इसमें जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उनको ₹1,000 का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा, सेकंड रैंक को जो है ₹500 और जिनकी रैंक जो है 3 से 10 के बीच में होगी उनको ₹250 का रिवार्ड गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से फ्री है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। बस इनरोल करने के लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड डालना होगा, SRADDA। इसके साथ ही आप पैथफाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से फ्री है। ये टेस्ट सीरीज जो है डॉक्टर महिपाल राठौर द्वारा बनाई गई है। ये जो है हर संडे को शाम को 5 बजे होगी जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मिनट में। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज है। जिसकी रैंक 1 से 3 के बीच में आएगी उनको अनअकैडमी नोट्स और मैगजीन दी जाएगी और जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच में आएगी उनको मैगजीन दी जाएगी। इसको फ्री में एनरोल कर सकते हैं और एनरोलमेंट के लिए आपको जो है SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।